अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की हूँ, बस किसी तरह से ये जीवन जल्दी जल्दी मतलब खत्म हो जितना टाइम हो एंड बस मुझे मुक्ति मिले। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, संडे की मॉर्निंग है और यहाँ पे क्लीनिंग का जो है ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से। और इसमें मैं बहुत ही अच्छी बातें आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगी आपकी लाइफ में। तो ये कार्तिक को मैं दे रही हूँ काम, क्योंकि इनको एक हैबिट मुझे डेवलप करनी है। वैसे मैं कराती हूँ लेकिन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को काम कराने से ना उनका मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ होता है। जय माता दी माई यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू क्रिएट लाइफ। में मैं प्रियंका, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। टाइम हो रहा है 10 o'clock के और मैं बाहर आई हूँ, कितना अच्छा व्यू है ना। इसके पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में, और मैंने अभी जस्ट अपना फेस वॉश किया था, मैंने ब्रश किया अभी, क्योंकि सुबह इतनी ठंड हो रही थी और आज संडे है तो मुझे अपने रूम का डीप क्लीनिंग करना था, इसलिए मैं आराम से उठी और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हाल मैंने रूम का किया है, अभी बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ छोले, और इधर मैंने क्या बनाया आपको दिखाती हूँ। और किचन भी बहुत मैसी हो रखा है, जब रूम में क्लीनिंग करो ना तो किचन भी बहुत मैसी होता है। ये देखिए घुघरी बन गई, और ये हम लोगों का फेवरेट नाश्ता होता है विंटर में सर्दी में, और ये सेकेंड टाइम आज बनी है। इस वाले रूम का भी कुछ ये हालत है, यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, ये स्वेटर मैंने भी जस्ट निकाला, काफ़ी गंदा हुआ है और इसको भी वॉश करना है। सर्दियों में तो एक काम ये भी बढ़ जाता है ना स्वेटरों का। और यहाँ पे मैंने मटर छिली हुई थी जो कि मैंने ऐसे ही यहाँ पे डाली हुई है, ये देखिए इसको मैं भी हटाऊंगी क्योंकि जल्दी थी तो मैंने ऐसे डाल दी। और मुझे कार्तिक का बैग भी वॉश करना था बट कल मुझे ध्यान नहीं पड़ा, और अभी एक दिन में सूखेगा भी नहीं क्योंकि इतनी धूप आती नहीं है और ये इनका स्पोर्ट का है, तो ये सारा कुछ क्लीन करूंगी अभी। और ये ब्लैंकेट्स वगैरह सोच रही हूँ इनको भी धूप में डालने के लिए डालूंगी। और ये है बेड की कंडीशन, और वो बैक वॉल आप देख ही रहे हैं किस तरीके की है, बट जब इसका टाइम आएगा तभी ये होगा, क्योंकि हर चीज़ टाइम पे होता है, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है ना। मेरा बशर्ते तो मैं आज के आज उसको सही करा दूं, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, और उस बात को लेके मैं टेंस रहूं और हेल्थ इफेक्ट करूं, बच्चे की स्टडी इफेक्ट करूं, कोई मतलब नहीं है, है ना। तो जो जब होना होगा होगा, क्या कर सकते हैं। जो भी लाइफ हमें मिलती है उसमें हमारा कोई बस नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको सर्वाइव करना कैसे है, हैप्पली या फिर सैडली या फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आप उस पर रहते हैं, ये आपके बस में ज़रूर है। तो इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कैसी भी लाइफ हो हमेशा हमको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और इसी बात का देन है कि आज मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब पे हूँ, जो इतने सारे लोग मुझे एक मिनट जानते हैं, तो ये भी बात मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं सोशल मीडिया पे आई अपनी डेली रूटीन लाइफ को लेके, जैसा भी था जो भी था मैंने गट्स रखा आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो मैंने शेयर किया। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब ऐसा है आप लोग डेली का ये दिखा देते हैं क्या बड़ी बात है एंड ऑल डैट, तो अपनी लाइफ रूटीन शेयर करना बहुत बड़ी बात है। जो लोग ऐसा बोलते हैं अगर वो नहीं करते हैं ना व्लॉगिंग, तो मुझे लगता है कि उनको बताने का भी कोई फायदा नहीं है, और अगर नहीं करते हैं कभी करेंगे तब उनको समझ में आएगा कि मतलब ब्लॉगिंग कितना करना टफ होता है और अपनी लाइफ रूटीन अपना जो कुछ भी है वो पब्लिकली रखना कितना टफ होता है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रह के इस चीज़ों को करते हैं, लोगों को अच्छी चीज़ देते हैं, अपने लाइफ से एक मोटिवेशन देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। तो मैं इससे ये मोटिवेशन देती हूँ कि आपके लाइफ में कुछ भी क्यों ना खराब क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा अपने फेस पे मुस्कुराहट जरूर रखिए और हैप्पी रहिए, और हैप्पी रह के चीज़ों को डील कीजिए, और आज नहीं तो कल जैसा आप चाहते हैं डेफिनेटली वैसा होगा जरूर। तो बस यही सारी चीज़ें थी इसको शेयर करके आपसे कहने का। और जो मेरा वो था ना मैट्रेस, वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं, ब्लैंकेट अभी देखती हूँ डालती हूँ, तो चलिए थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, फिर आगे का जैसा व्लॉग होता है आपके साथ शेयर करते हैं।
तो फ्रेंड्स, खाने पीने के बाद और घर का सारा काम करने के बाद अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ। टाइम की बात करूँ तो 1:30 का हो रहा है और हस्बैंड जी का वीकेंड था। और ये व्लॉग ना मैं आफ्टर 2 डेज़ कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी, आपको बताया ही था, तो नहीं मन किया करने का। और ब्लॉग्स थे पहले के तो वो एडिट करके मैंने डाल दिए थे, तो मैंने नहीं एडिट किया था। आज दिन की बात करूँ तो वेडनेसडे का दिन है और कार्तिक को वो स्कूल से लेने गए हैं मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे भी मैं रेडी हो रही हूँ। वेडनेसडे नहीं, सॉरी, ट्यूसडे का दिन है क्योंकि वो एकेडमी भी जाएंगे तो ट्यूसडे का है। वो ट्यूसडे के दिन छुट्टी कर लिए थे, वैसे वीकेंड उनका वेडनेसडे को होता है तो मुझे लगा वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे का दिन है, वो छुट्टी किए थे आज। तो वो उनको लेके एकेडमी जाएंगे, कार्तिक को भी वो स्कूल से आएंगे तो। और उसके बाद मैं भाभी घर जाऊँगी क्योंकि वो जाने वाली हैं गाँव, तो कुछ ऐसे मिलना था उनसे, काफ़ी दिन हो गया मिले, मैं मिल ही लेती हूँ 1 महीने में 2 बार कम से कम। और वो नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनके घर बहुत सारे काम होते हैं, उनका ग्रैंडसन भी है इस वजह से। तो ये जो साड़ी है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है डेली वियर के लिए, और जो लोग साड़ी वियर करते हैं ना उनको इस तरह की साड़ी रखनी चाहिए क्योंकि लाइट वेटेड होने के साथ साथ एक अच्छा सा आपको लुक भी देती है। और मैंने तो बहुत सिंपल ब्लाउज के साथ वियर किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप के ब्लाउज आते हैं, जैसे कि एक ब्लाउज में मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर पिक मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगी, तो उस वो भी कॉटन ही का है लेकिन थोड़ा सा चेक में है तो अच्छा लगता है देखने में। तो उस तरीके से आप ब्लाउज वेयर कर सकते हैं, सुंदर लगेगा। और भी तरीके के आते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन में आते हैं इन, लेकिन ये मैंने बिल्कुल सिंपल किया है क्योंकि ना मुझे सिंपल पहनने का मन हो रहा था तो मैंने एक ही स्टिच करवाया इस तरीके का। मेरे पास बहुत सिंपल ब्लाउज़ नहीं है, मेरे पास ज़्यादा ब्लाउज है भी नहीं क्योंकि मैं ना साड़ी इतना वेयर करती नहीं हूँ, तो एक ब्लाउज़ मैं 3-4 साड़ी पर चला लेती हूँ, तो मैं ज़्यादा ब्लाउज़ रखती भी नहीं हूँ। और ये भी एक ट्रिक है कि कैसे मतलब इसको हम कर सकते हैं। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ ईशान जी के घर और इस ब्लॉग का एंड लेने आई हूँ क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी लेंथी हो गया है। और मैंने अपने हिसाब से आपके साथ मोटिवेशन टाइप की बातें शेयर की हैं क्योंकि मैं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की हूँ और उस चीज़ों में जब तक मैं थी तो मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान छोड़ के। नुकसान बहुत सारे हैं जिसमें से सबसे जो बड़ा नुकसान है वो मैं बता रही हूँ कि मैं खुद डिप्रेशन टाइप में चली गई थी एक टाइम में, और मुझे ऐसे लगता था कि बस किसी तरह से ये जीवन जल्दी जल्दी मतलब ख़त्म हो जितना टाइम हो एंड बस मुझे मुक्ति मिले। तो मुझे ऐसे लगा अब जब से मैं YouTube में आई मेरे अंदर ये एक पॉजिटिव चेंजेस आया मेरे अंदर, मैं बहुत सारे लोगों से मिली, मेरे अंदर खुद जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरा है ना वो डेवलप हुआ और मुझे ऐसे लगा कि नहीं ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं क्यों ऐसे मतलब इसको स्पॉइल कर रही हूँ या मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि मतलब जैसा है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइफ है वो बहुत खूबसूरत है, ईश्वर ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया यही बहुत बड़ी बात है और उन्होंने एक अच्छे रिस्पेक्टेड फैमिली में मुझे जन्म दिया एंड एक रिस्पेक्टेड फैमिली में मैं बहू बन के आई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रही बात पैसों का कम या ज्यादा या लाइफ का अप डाउन, तो ये हमारे थोड़ा बहुत जो है ना कर्मों पे डिपेंड करता है और ये एक जीवन का हिस्सा होता है। अगर आपके जीवन पे सब चीज़ अच्छा 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 होगा तो आप दूसरों का तकलीफ या क्या दुख होता है या क्या प्रॉब्लम ये नहीं समझेंगे। और कहते हैं ना कि दुख में ही जो है आपको पहचान होती है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, तो बहुत सारी चीज़ों पर हर चीज़ डिपेंड करती है। जैसे कि एक टाइम पे आपके मोटर का खराब हो जाना तो उस दिन आपको समझ में आता है कि पानी भर के रखना कितना इम्पॉर्टेंट है और पानी कम खर्च करना कितना इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसी तरीके से लाइफ में भी है। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये मोटिवेशन वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए जिससे आप लोगों को लाइफ में सर्वाइव करने में हेल्प मिले, कुछ करने में हेल्प मिले। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, लेंथी तो हो गया है बट आई थिंक यूजफुल जरूर रहा होगा। तो चलिए व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। बाय, थैंक यू, टेक केयर।